कैसी तबीयत है? हाँ, अब बेहतर है। बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैं सोचा चाइनीज फूड ले चलूं। तुम्हें पता है फरियाद, शादी को चाइनीज बहुत पसंद था। अक्सर हम लोग बाहर खाने जाते थे। हाँ, मैं एक बात पूछूं, अगर हिम्मत नहीं थी तो क्यों गई? शायद तुम्हें मेरी बातें बुरी लगें, लेकिन मैं नहीं मानती कि हमें किसी भी हाल में कमज़ोर पड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। सही कह रही हूँ, वही तो कह रही हूँ। घर तो रही हो लेकिन टूट टूट के। कोशिश तो करती हूँ कि ना टूटू, लेकिन पता नहीं यार। इमन, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर लोगी। यू आर अ सर्वाइवर, और फिर हम सब भी तो हैं ना तुम्हारे साथ। अब कोशिश करूंगी कि मेरी हिम्मत ना टूटे। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपके दिलों पे क्या गुजर रही है। बहुत ही कड़वा सच देख लिया आपने। तस्वीरों ने तो शादी की मौत के जख्म और भी गहरे कर दिए। हौसला रखिए सब भाई। और मैंने आपसे और हेमंत से यही कहा था। हमने छापे मारने शुरू कर दिए, इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। वो तस्वीर हमारे सामने है और हम उस दुकान तक भी पहुंच गए हैं जहां से फोन खरीदा गया था। कैसे? उसके अंदर कोई सिम तो थी नहीं? हाँ, सिम नहीं थी, लेकिन इस फोन में एक पीस नंबर होता है जो सिर्फ कंपनी को पता होता है कि किस दुकान पे गया है। बस उसी के थ्रू हम बहुत जल्द इसके मालिक तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह करे सही हो। बस आप एमन से कहें कि वो सिर्फ अपनी मुहिम पे फोकस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खामोशी उसे अलर्ट कर दे। जितने ज़्यादा लोग इस वक्त एमन के साथ खड़े होंगे, बिलाल उतने ही जल्दी वीक होगा। एस पी सब ठीक कह रहे हैं। जी, मैं समझ रहा हूँ। इस कमीने की इतनी हिम्मत। इमन रिलैक्स प्लीज। क्या प्लीज? हे क्या प्लीज? क्या हुआ, क्या हुआ? तुम दोनों आप उसमें लड़ क्यों रहे हो? पापा लड़ नहीं रहे, गुस्सा आ रहा है मुझे उस बिलाल पे। फूल भिजवाए इसने मुझे। बेटा, वो तुम्हारे इरादों को कमजोर करना चाह रहा है और इस तरह से रिएक्ट करके, इस तरह से चीख के तुम उसे उसके इरादों में कामयाब कर रही हो। मैं कमजोर नहीं पड़ रही, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। कैसे, क्या करें बताओ? तो मैं डंडे लाके दूं या हथौड़े लाके दूं जिससे तुम उनका मुंह तोड़ो? इतना लाइट क्यों ले रहे हैं आप लोग इस सबको? लाइटली कोई नहीं ले रहा है। जिस तरह तुम रिएक्ट कर रही हो वो सही नहीं है, गलत है। अरमान ठीक कह रहा है बेटा, वो एक इंतहाई घटिया आदमी है। वो तुम्हें इमोशनली टीज कर रहा है। एग्जैक्टली, और यू इमोशनली टीज होगी तुम उसको जीत दे रही हो। एमन, अभी उसका वक्त है, लेकिन हमारा वक्त भी आएगा। मेरा वक्त तो गुजर गया, मेरा वक्त तो शादी था। ठीक कह रही हो बेटा, तुम्हारा वक्त शादी था, है नहीं, गुजर गया हो, उसे गुजर जाने दो। अब अपना वक्त तुम खुद हो बेटा। वक्त को कोई नहीं रोक सकता, ना जाने वाले को और ना आने वाले को। फरियाद,
सलाम अलैकुम मामा। चलो इतनी तो तमीज़ है कि माँ को सलाम करना है, वरना जाते वक्त तो खुदा हाफिज तक नहीं कहा। आते वक्त सलाम करते हुए कोई दुआएं नहीं मिली, जाते वक्त खुदा हाफिज करते हुए नहीं मिलती, सोचा क्या आपको परेशान करूँ। वाह बेटा, बहुत ख्याल है माँ की परेशानी का। मुझे तो बिल्कुल ख्याल है आपका। यानी कि मुझे ख्याल नहीं है तुम्हारा? मेरे पास इस बेमानी बहस का बिल्कुल टाइम नहीं है। वो क्यों होगा, टाइम तो सारा का सारा उसका है। आप ही क्यों मुझे बार बार जिताती रहती हैं? इसलिए तुम कभी तो समझोगे, माँ हूं तुम्हारी, समझाना मेरा फर्ज है। अम्मा ये जो आपकी आंखों पे आना की पट्टी बंधी हुई है ना, ये आपको सच देखने नहीं देती। मेरी आंखों पे कोई पट्टी वट्टी नहीं बंधी हुई, सब सामने। दुख तो तुम्हें रहा, प्यार में हमेशा माँ ही गलत होती है, यही होता है। लेकिन याद रखना, जब सच सामने आएगा ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, और रोते हुए तुम इसी गोद में आओगे, और माँ की मजबूरी है ना, तब भी वो तुम्हारे सर पे हाथ रखेगी और जख्म पे मरहम। कभी कभी बहुत डर लगता है, आप एक माँ है ना, कर सकती हैं, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ एक माँ को जब तकलीफ होती है तो एक औलाद कैसे मरहम रखेगी। बस वो मेरा जख्म नहीं है, मेरा मरहम है, और अगर वो इस बार कहीं ना तो दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। समंदर की मिट्टी लाना होगी, उसको पढ़ के दूंगा। उसके कमरे में कोई गमला रख देना। जी बाबा, मैं आज ही ले आऊंगी। बेटी को भी लाना होगा। जी जल्दी ले आऊंगी, उसका आना जरूरी है। क्या हो गया साहब, पकड़ा से? देख, मैं जानता इसे? बता। मैं नहीं जानता। ये फोन तो तेरा है ना? देख जरा इसे। देख क्या? चला आ गया मुझे। सादी की वो तस्वीरें बार बार आंखों के आगे आती हैं। उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना तड़पा होगा। उसने मुझे भी याद किया होगा, लेकिन कंट्रोल योरसेल्फ और जो देखा है उसको भूलने की कोशिश करो। मैं नहीं भूलूंगी और ना ही भूल सकती हूँ। Thank you.
अगर हिम्मत नहीं थी तो क्यों गई? शायद तुम्हें मेरी बातें बुरी लगें, लेकिन मैं नहीं मानती कि हमें किसी भी हाल में कमजोर पड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। सही कह रही हूँ, वही तो कह रही हूँ। घर तो रही हो लेकिन टूट टूट के। कोशिश तो करती हूँ कि ना टूटूं, लेकिन पता नहीं यार। हेमन, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर लोगी। यू आर सर्वाइवर, और फिर हम सब भी तो हैं ना तुम्हारे साथ। गुस्सा आ रहा मुझे उस बिलाल पे, फूल भिजवाए इसने मुझे। बेटा, वो तुम्हारे इरादों को कमजोर करना चाह रहा है, और इस तरह से रिएक्ट करके, इस तरह से चीख के तुम उसे उसके इरादों में कामयाब कर रही हो। मैं कमजोर नहीं पड़ रही, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। कैसे, क्या करें बताओ? तुम्हें डंडे लाके दूं या हथौड़े लाके दूं जिससे तुम उनका मुंह तोड़ो? इतना लाइट क्यों ले रहे हैं आप लोग इस सबको? लाइटली कोई नहीं ले रहा है। जिस तरह तुम रिएक्ट कर रही हो वो सही नहीं है, गलत है। अरमान ठीक कह रहा है बेटा, वो एक इंतहाई घटिया आदमी है, वो तुम्हें इमोशनली टीज कर रहा है। एग्जैक्टली, और यू इमोशनली टीज होगी तुम उसको जीत दे रही हो। एमन, अभी उसका वक्त है, लेकिन हमारा वक्त भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? वेरी वेल सर। जानते तो होंगे क्यों फ़ोन किया। शायद, लेकिन फिर भी आप बता दें सर। प्रेशर आ रहा है बहुत। जानता हूँ सर, और पहले से जानता था, और आप भी जानते थे कि ये तो होना ही था। लेकिन सर, कभी तो कोई तो होगा जो इस प्रेशर को रोकेगा। एक्चुअली चाहता मैं भी यही हूँ। तुमको फ़ोन किया ये कहने के लिए नहीं कि उसको छोड़ दो, बल्कि ये कहने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन को और तेज़ कर दो। राइट सर, आप फिक्र नहीं करें, बहुत जल्द मुजरिम हमारी गिरफ्त में होगा। बेस्ट ऑफ लक, आई एम विद यू। हर बार पुलिस कठपुतली नहीं बनेगी, मेरा ट्रस्ट खराब मत करना। राइट सर, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वाह, इस वक्त हर न्यूज़पेपर पे अगर कोई न्यूज है तो वो एमन की और शादी की, बिलाल की नहीं है। सोशल मीडिया पे तूफान आया हुआ है, हर कोई इंसाफ के लिए खड़ा हो रहा है, सब तुम्हारे साथ है। आई होप ऐसे ही साथ रहें, बिलाल के डर की वजह से कहीं पीछे ना हट जाए। सही कह रही हो, होता यही है कि सोशल मीडिया पे ओपिनियन कुछ और होती है, प्रैक्टिकली कुछ और हो जाते हैं। चले अच्छे की उम्मीद तो रख सकते हैं ना बाबा। उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, इसलिए कि मायूस होना कुफ्र है। लगे रहो, अपने अच्छे मकसद के साथ लगे रहो, और बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे इंशाल्लाह। आपकी और उमर साहब की शादी कितने अरसे रही थी? 2 साल 3 महीने और 11 दिन। अगर आप पूरा ना मनाएं तो मैं एक साथी सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जरूर। आपको बच्चे इतने पसंद हैं, लेकिन आप नहीं, और तो मैंने बच्चे क्यों नहीं किए, या मेरे बच्चे क्यों नहीं है, ये जानना चाहते हैं? If it's not move forward and... नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है बताने में। मेरे बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे हो नहीं सकते। उमर ये बात जानते थे, और उनकी डेथ से पहले हम सोच भी रहे थे अडॉप्शन का, लेकिन फिर उमर ही नहीं रहे तो। बहुत अच्छी सोचती हूँ उनकी, बहुत ज़्यादा। उमर ने कभी इस बात को मसला नहीं समझा। एक्चुअली उमर ने कभी किसी भी चीज़ को मसला नहीं समझा। उसके साथ ज़िंदगी मेरी बहुत आसान थी। ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं ना? यकीनन, बहुत कम।
और हमारा माशरा इन मामलात में बहुत तंग नज़र हो जाता है, इतनी सी सोच हो जाती है सबकी, ऐसी चीज़ को औरत के लिए एक तोहमत बना देते हैं, एक गाली। वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस मामले में भूल जाते हैं औलाद का होना या ना होना वो खुदा की मर्जी है। मुझे याद है शादी के बाद लोग जो हमेशा सवाल करना शुरू कर देते थे ना, कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी खबर। रिमेम्बर हमेशा उमर बहुत मेरा साथ देता था और तब्दीली लाने की कोशिश करता था लोगों की सोच में कि किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप लोग। खैर एनीवे, आप मुझे ये तो बताएं कि चले मेरे तो हुए नहीं फॉर एन ऑब्वियस रीजन, लेकिन सिर्फ एक बेटी क्यों? बस हम दोनों को लगा काफी है, और आई फील के बाहर के मुल्क में बच्चों को पालना जरा ज्यादा मुश्किल होता है, और वाकई वो एक है लेकिन मेरे लिए बहुत काफी है। हेलो, आप अब खैर हैं? इस वक्त क्यों फोन किया? व्हाट? चीनी नहीं खाई ना जो तेरी मां ने दी थी? बाबा सब जानता है, खाई होती तो यहां करना बैठती। बाबा सही कह रहे? बच्ची से क्या पूछ रही है? बाबा सब जानता है, सब ठीक हो जाएगा। इसको बार बार लाना होगा। जी बाबा। यहाँ पर साइट हेड आप हैं? जी हाँ मैं ही हूँ। तो फिर ये काम फौरी तौर पर रुकवा दीजिए। जी काम रुकवा दूँ? जी, ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, देख लें। स्टे ऑर्डर? क्या हर बात रिपीट करने की आदत है? ये स्टे ऑर्डर है, मशीन को और लोगों को फौरी रोक दो। ठीक है, काम बंद कर दें आप लोग, आप ऊपर काम बंद करा दें, छोड़ दें ठीक है। सारे किए किराए पे पानी फेंक दिया, झूठ बोला ना तुमने मुझसे, और तुमने देखा इनसे कोई बात नहीं छुपती। बकवास है ये सब, बकवास। अच्छा तो इन्हें सच का कैसे पता चला? लोगों को देखकर तुक्का लगाते हैं। आप बढ़ाएं इनकी बुराइयों को, मैं यहाँ दोबारा नहीं आने वाली। आना तो तुम्हें पड़ेगा, बस तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा घर मिल जाए। मामा खुशियाँ यहाँ से नहीं मिलती। ये धोखा नहीं है, देखो मेरा दिल मानता है इनको, अल्लाह का नाम लेते हैं और पैसे भी नहीं मांगते। पैसे मांगने की क्या जरूरत है इनको? आप जैसे लोग हैं ना जो हदीये के नाम पर इतना इतना पैसा दे जाते हैं, देकर आई है ना अभी आप भी 10,000 रुपए। आप
से बहस करना ही बेकार है। लेकिन एक बात आप मेरी सुन लें, आज तो आप मुझे झूठ बोलकर ले आई हैं। आइंदा सच बोल के लाऊंगी। माँ हूँ तुम्हारी मैं, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। और एक बात और सुन लो, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सुल्तान आ जाए। मैं तुम्हें जाने से पहले कह के गई थी कि खाना खा लेना, खाना ऐसे ही रखा और तुम भूखे बैठे। हाँ बस ये काम खत्म हो जाए फिर खाता हूँ। अरमान बच्चे हो क्या, अब तुम्हें लुक में बना के खिलाना पड़ेंगे। खाना कब से ऐसे ही रखा हुआ था, खाएं? हाँ वो काम बहुत था। पता है दिनों बाद दादू की गोद में सर रखा है। क्या बात तंग कर रही है मेरी जान को? एमन, एमन तंग कर रही है तुम? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें तंग कर रही है, मुझे लगता है तुम खुद अपने आप को तंग कर रहे हो। जो पहरे तुमने अपने आप से डाले हुए हैं ना, उनको और कोई नहीं हटा सकता, तुमको हटाने होंगे। तुमने बात की है मन से? डर लगता है। मैं बात करूं? नहीं, केस वैसे भी आगे बढ़ गए हैं, फजूल में टेंशन में आ जाएगी। आज केस है, कल को कुछ और बात होगी, किसी न किसी वजह से तुम खुद को रोकते रहोगे। मेरी मानो, बात कर लो उससे। अगर उसने इनकार कर दिया तो? अब इनकार की गुंजाइश नहीं है, अगर वो नहीं मानेगी ना तुमसे, तो मैं खुद उसे मनवाऊंगी। बेटा किस्मत वालों को मौका मिलता है, उसे गंवाना नहीं बेटा। ये ठहरो तुम लोग। एसपी साहब, ये मेरा ऑफिस है, आपका पुलिस स्टेशन नहीं है, ये क्या तरीका है? जानता हूं आप यहां की मोहतबर शख्सियत हैं, पुलिस का इस तरह आपके ऑफिस में आना आपकी इज्जत में कमी ला रहा है। जाओ तुम लोग जाके नीचे बैठो। जी बताइए कैसे आना हो? हमने क्रिमिनल पकड़ा है,
वो खास आपका बंदा है, इसलिए आप शक के दायरे में आ गए। बंदा पकड़ा है भाई? मेरे पास तो बहुत सारे बंदे काम करते हैं, जो काम करके अपने घर चले जाते हैं। अब हमें सबका तो नहीं पता कि यहाँ से जाने के बाद क्या करते हैं। एक बार अगर किसी पे शक आ जाए तो जहन बार बार वहीं जाता है। आज हमने वो क्रिमिनल पकड़ा है जिसका कनेक्शन आपसे निकला है। कल हो सकता है वो जबान खोल ले तो। हो सकता है कि आपकी सीटी चेंज हो जाए। नहीं, दैट्स द मैक्सिमम यू कैन डू। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। आपके इस जुमले ने बहुत जरूरी कर दिया कि उस बंदे की जुबान जितनी जल्द हो सके खुलवाई जा सके। एनीवेज, आपसे और भी बहुत सारी जरूरी बातें करनी है तो कल जरा थाने तशरीफ ले आइएगा। अच्छा जी, याद से चलता हूं। ये रुमैसा कहाँ नजर नहीं आ रही? मेरे ख्याल से साइमा के घर गई हुई है सुबह से। साइमा के यहाँ कुछ आना जाना ज्यादा नहीं हो रहा उसका? शायद उसकी बेटी की शादी होने वाली है ना। रुमैसा कहीं ज्यादा आती जाती नहीं है, चाहे किसी की भी शादी हो। खबरों में क्या है? कोई नई बात तो है नहीं। क्यों पढ़ती हैं आपको जोर में? हंगामी हालात। हाँ भाई, कुछ बताया उसने? सर, कुत्ते की दुम इतनी जल्दी सीधी नहीं होने वाली। बेल हो गई है इसकी। जी सर। हाँ, लेकिन तुम लोगों को इसके रिलीज ऑर्डर नहीं मिले। ना मैं यहां आया हूं, न किसी ने इस बारे में तुम लोगों को कुछ बताया। तुम लोगों के पास सुबह तक का वक्त। इसे इतना मारो कि इसकी जान निकल जाए। जो कम सर। जब मुंह बंद करना ही है तो परमानेंट बंद कर दो मुंह इसका। सर, सर, मुझे मत मारो, मैं बता दो, मैं सब बता दूंगा सर, मैं सब बता दो। रजा, जोर से सांस लेंगे तो सीना खुलेगा। अरे यार, मेरी तो आंखों में मिर्ची लग रही है। तो आंखें बंद रखे ना रजा। अच्छा, रहने रहने दे, मैं स्पीकर ऑन कर देती हूँ। अच्छा, ये ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रजा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब और ठीक हो जाएंगे। उस बंदे ने अपना मुंह खोल लिया है। अभी बिलाल का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन एक दूसरे बंदे की निशानदेही उसने कर दी है। सरवर खान नाम है उसका। ये वही बंदा है जिसका स्केच हमारे पास मौजूद है। हमने उसकी पोजीशन लोकेट कर ली है, बस गिरफ्तार करना बाकी है। वो बंदा बहुत अहम है। उसकी गिरफ्तारी से हमें पता चल जाएगा कि उसका और बिलाल का क्या कनेक्शन है। बस हमारे बंदे के पास यही इन्फॉर्मेशन थी। तो गिरफ्तारी कैसे होगी? इंशाल्लाह कल तक आपको इसकी भी खुशखबरी देता हूँ। खुश रहे, जीत रहे, अल्लाह आपको बहुत कामयाब रखे। आप अरमान और अहमन को ये बात बता दीजिएगा। हाँ श्योर, डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया, बहुत खुश रहिए, आप कामयाब रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। रोहन सो गया? अभी सुला के आए। तुम क्या कर रहे हो? तुमने दी थी? अच्छी है ना? हाँ बहुत, दो दिन में आधी से ज्यादा पढ़ चुका हूँ। अरमान, एक बात पूछूं? पूछूं।
शादी के जाने के बाद तुम मेरा और रोहान का बहुत ख्याल रखते हो, हमारे बारे में बहुत सोचते हो, अपने बारे में नहीं सोचते? अपने बारे में क्या सोचना है मैंने? अपने बारे में एज इन लाइफ के बारे में और शादी के बारे में। शादी? और मैं क्यों, तुमको शादी नहीं करनी? क्या ऊटपटांग की बातें कर रही हो, किसने डाल दी है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारी शादी के बाद ऊटपटांग बात तो नहीं है। देखो एमन, इस वक्त मैं अगर किसी का सोच सकता हूँ तो वो है रोहान। और क्या हो गया? क्या क्या हो गया पूछ रही हूँ सिर्फ, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ना रुके। I'm sorry, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी लाइफ तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं रुकी हुई। प्लीज अपने आप को, अपने जहन को और अपने वक्त को थोड़ा आराम दो, ये बातें ना सोचो। लेकिन कुछ नहीं, मेरा जो वक्त गुजर रहा है मैं अपनी खुशी से गुजार रहा हूँ, और मैं तुम्हारे और रहान के साथ गुजरा हुआ वक्त बहुत खुशी से गुजारता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। I'm sorry. It's okay. देखो एमन, अगर मैं इस वक्त किसी का सोच सकता हूँ तो वो तुम हो और रोहान है, और मैं नहीं चाहता कि तुम ये सारी बातें सोच के अपने आप को परेशान करो। मैं परेशान नहीं कर रही, मैं बस किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। तुम किसी पे बोझ नहीं हो। वैसे बीबी, मैं अब इतनी भी गैर नहीं हुई कि घर में इतनी खुशी की खबर हो और मुझे ना पता हो। ऐसी कौन सी खुशी की खबर है जो तुमसे छुपाई जा रही है? राबिया की शादी। क्या हो गया तुम्हें, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है? क्यों बीबी, क्या ऐसा नहीं है? बोलो राबिया, क्या तुम्हें हुसैन पसंद नहीं है? देखो रुमैसा, हर बात का एक वक्त होता है, तौर तरीका होता है। यही तो मैं देख रही हूँ कि तौर तरीके कैसे बदल रहे हैं इस घर के। वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए, ये बात सब समझते हैं, सिर्फ तुम नहीं। अगर ऐसी बात थी भी तो तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। हद होती है, सारी दुनिया जान के मसाइल का हल इसी टेबल पे क्यों होता है? मेरी आपसे गुजारिश है कि खामोशी से खाना खाएं बस। बीबी, ऐसी क्या बात है जो मुझे पता नहीं? रुमैसा को बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मालूम है, लेकिन बात है क्या? मेरी दोस्त रुबाब ने राबिया के लिए बात की है। उसका बेटा हुसैन राबिया को पसंद करता है। और राबिया? वो भी। तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई? बता के क्या करती, वही जवाब मिलता ना जो 10 साल पहले मिला था। तो और क्या जवाब होना चाहिए बीबी? इस उम्र में शादी ब्याह दुल्हन ये तमाशे, लोगों को क्या मुंह दिखाते फिरेंगे हम? फिर हमारा बिजनेस भी है, 10 मसाइल हैं, आपको मना कर देना चाहिए। I'm sorry daddy, लेकिन मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करता। किसी की खुशियों का गला घुटने का हक आपको किसने दिया है? तुम अभी बच्चे हो, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन बड़ा हो गया हूँ, समझ सकता हूँ। मैं अरमान के साथ हूँ इस बात में। इस बच्चे की आखिर उम्र ही क्या है,
40 42 साल क्या उम्र होती है? तन्हाई की जिंदगी गुजारना कोई मुझसे पूछे। ठीक है वो तुम्हारी भाभी है, लेकिन तुम्हारा भाई जिंदा नहीं है। राबिया के आगे कोई औलाद नहीं है। मेरा साया उठ जाएगा तो क्या बनेगा उसका? रुमैसा की तबीयत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, संभाल पाओगे उसको? I'm sorry daddy, अगर मैं फिर से कोई गलत बात करूं, लेकिन चाची का भी हक है खुशियों का। इस्लाम भी उनको शादी की इजाजत देता है, उनकी शादी का फैसला भी उनको लेना चाहिए ना कि आपको।